तो आपको एस एक ऑपरेटर दिया हुआ है विच इज आर एन टू आर एन सच दैट एस ऑफ वी इज इक्वल टू अल्फा वी फॉर एवरी वी एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर स्टार है. अल्फा कोई नॉन जीरो रियल नंबर है तो डेफिनेटली हर नॉन जीरो वेक्टर एक आइगन वेक्टर मिल रहा है. या एस ऑफ वी इक्वल टू अल्फा टाइम वी है तो एस क्या आ जाएगा अल्फा इंटू आई तो एक स्केलर ऑपरेटर आ जाएगा ये ठीक है. और उसके बाद टी दिया हुआ है आर एन से आर एन पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट बीटा एक सेट दिया हुआ है जिसमें वी वन वी टू वी एन बिस आर लीन ये आपके पास बी अ सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स का कलेक्शन है ऑफ टी तो आपके पास एक बीटा मिल गया जिसका हर वेक्टर आइगन वेक्टर है और बीटा क्या है बेसिस है. तो आपके डायग्नाइजेबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी ऑपरेटर इज अ डायग्नाइजेबल इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ बेसिस हुज एवरी वेक्टर इज एन आइगन वेक्टर. तो जब मैं टी विद रिस्पेक्ट टू बीटा एंड बीटा बनाऊंगा तो ये जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आएगा क्योंकि हर वेक्टर आइगन वेक्टर है तो टी ऑफ वी आई जो होगा इज इक्वल टू सम लैम्डा आई टाइम वी आई होगा ठीक है. तो इसका जो मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन आएगा लैम्डा वन लैम्डा टू अप टू लैम्डा एन याद आएगा. तो जो ये टी है वो डायग्नाइजेबल है और एस ऑलरेडी डायगोनल मैट्रिक्स है तो एस प्लस टी करूंगा या एस माइनस टी करूंगा तो ये दोनों ऑपरेटर क्या आएंगे डायग्नाइजेबल ऑपरेटर आएंगे. तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन वो कह रहा है कि मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बीटा बीटा इज डायगोनल ट्रू. सेकेंड मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी माइनस एस विद रिस्पेक्ट टू बीटा इज डायगोनल ऑल्सो ट्रू क्योंकि ये तो डायगोनल मैट्रिक्स आएगा और ये भी डायगोनल है तो दोनों का सम करूं या डिफरेंस करूं तो डायगोनल ही आएगा. तो फर्स्ट ट्रू सेकेंड ट्रू और ऑब्वियसली थर्ड एंड फोर्थ हमेशा क्या हो गए इससे फॉल्स हो गए. और सिमिलर क्वेश्चन आपका आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है तो वहां भी आंसर ए एंड बी आंसर आई थिंक क्लियर है.